सागर ब्लॉक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के राशन विक्रेताओं ने समस्याओं के निराकरण नहीं होने पर काम बंद किया, साथ ही प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। मध्य प्रदेश सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ जिला इकाई सागर के तत्वावधान में आज सागर ब्लॉक के राशन विक्रेता अपना अपना काम बंद करके सागर SDM कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। विक्रेताओं द्वारा ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत शासकीय उचित मूल्य दुकानों से वितरण होने वाले खाद्यान्नों में भारी मात्रा में कटौती होने के पश्चात उक्त समस्या का निराकरण न होने के कारण मध्य प्रदेश सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ जिला इकाई सागर 1 फरवरी से अनिश्चितकालीन काम बंद कर हड़ताल करने जा रहे हैं। कर्मचारी द्वारा ज्ञापन के माध्यम से जिला प्रशासन को अवगत कराया है, जब तक उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं किया जाता तब तक वो काम पर वापस नहीं लौटेंगे। सागर से अनिल वर्मा के साथ सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। ज्ञापन देने आए हैं हम लोग मध्य प्रदेश सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ भोपाल जिला इकाई सागर की तत्वावधान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो हम लोग PDS की दुकानों पर संचालित कर रहे हैं, उसमें भारी मात्रा में खाद्यान्न में कटौती हो रही है और आए दिन उपभोक्ताओं से लड़ाई झगड़ा वाद विवाद और उपभोक्ताओं द्वारा बार बार शिकायत की जा रही है। ना हम लोगों को समय पर वेतन प्रदाय किया जा रहा है, ना कमीशन की राशि प्रदाय की जा रही है। इस संबंध में हम लोगों ने 28 तारीख को माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया था कि हम लोगों की समस्याओं पर निराकरण किया जाए। आज दिनांक तक कोई निराकरण नहीं किया गया, इसलिए हम सब लोग सागर ब्लॉक से अनुभागीय अधिकारी सागर को ज्ञापन देने आए हैं और समस्त लोग अपनी मशीनें लेके आए हैं कि अपना काम आप स्वयं देखें। शासन प्रशासन की अब जिम्मेदारी है, हम लोग ये कार्य करने में असमर्थ हैं। अगर मांगे नहीं मानी जाती तो आगे आपका क्या कदम? हाँ, अगर आज से हम लोगों की मांगों का निराकरण नहीं किया गया तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। क्या नाम लिखते हैं? अरविंद तिवारी। मध्य प्रदेश सहकारिता समिति के कर्मचारी लोगों ने इस आशय का ज्ञापन दिया है कि राशन दुकानों में पहुंचने वाले खाद्यान्न में काफ़ी मात्रा में कटौती हुआ है, जिसके कारण से वो लोग वितरण करने में अक्षम हैं और इसलिए वो लोग आज दिनांक 1 तारीख से निश्चित कर्मी हड़ताल में जाने का प्रस्ताव है। इस संबंध में हमने ज्ञापन प्रस्तुत किया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।